ये लीव इनकैशमेंट का पैसा इतने दिन क्यों रोक के रखा इनका? डिपार्टमेंट इंक्वायरी कौन सी पेंडिंग है? डाइस नोन में तो पहली बार सुन रहे कि किसी की पेंशन फोरफीट होती हो, इट्स अ मेजर पनिशमेंट हो जाएगा फिर तो, बिना इंक्वायरी के नहीं कर सकते आप। डाइस नोन इज ऑलवेज अ मेजर पनिशमेंट, और उसका इफेक्ट में अगर पेंशन भी खत्म जाए हो रही है तो और बड़ा मेजर पनिशमेंट हो जाता वो। इन तीनों इंक्वायरी में इनका कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई तीनों पनिशमेंट, बाकी पैसा आपने क्यों नहीं दिया? पेंशन छोड़ दीजिए, जो ग्रेचुटी आज जो आप लीव इनकैशमेंट का इतना, और ये कितना अमाउंट रोका था आपने? आज कितना दिया इनको? आज कितना पेमेंट किया अभी? कितना है? एक दो लाख के लिए आप 10 लाख रोके हुए इनका? कितने साल हो गए इनको रिटायरमेंट से? कितने साल हो गए रिटायरमेंट? 18 से। फिर आपकी एक महीने की तनख्वाह रुक जाए तो क्या होगा? 2018 से दो साल और ये 6 साल से आप ना पेंशन दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वेयर इज दिस रूल 27 2 एंड 28 और पेंशन रूल लगाए आपने? निकालने पेंशन रूल सेंट्रल गवर्नमेंट के सीसीए सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स हैं। सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल 1972। ये लीव इनकैशमेंट का पैसा इतने दिन क्यों रोक के रखा इनका? कौन सी इंक्वायरी? कितने अमाउंट के? कहां उसका रिकॉर्ड कहां है इंक्वायरी का? नहीं मतलब कहां कहीं लिखा आपने कि इंक्वायरी पेंडिंग है? तीन तीन पनिशमेंट बताया आपने डाइस नोन के, उसके अलावा कौन सी इंक्वायरी पेंडिंग है? डिपार्टमेंट इंक्वायरी कौन सी पेंडिंग है? ये तीनों पनिशमेंट जो इनके अनऑथराइज एक्शन के थे जिसमें ब्रेक इन सर्विस किए, तो उसमें रूल 27 कहां लगता है इसमें? रूल 27 में लिखा है कि दिस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस ऑथराइज लीव ऑफ एब्सेंस अनऑथराइज एब्सेंस इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑथराइज लीव। सीसीए वो कहते हैं इसको रेगुलराइज कराना पड़ेगा, इसमें रेगुलराइज की जरूरत ही नहीं, लगता ही नहीं 227। तो इनकी तो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मानी जाएगी, आप किसी का दो दिन के एब्सेंस में ब्रेक इन सर्विस कर देंगे तो उसका पूरी पेंशन फोरफीट हो जाएगी उसकी। एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप डाइस नोन में तो पहली बार सुन रहे कि किसी की पेंशन फोरफीट होती हो, इट्स अ मेजर पनिशमेंट हो जाएगा फिर तो, बिना इंक्वायरी के नहीं कर सकते आप। डाइस नोन इज ऑलवेज अ मेजर पनिशमेंट, और उसका इफेक्ट में अगर पेंशन भी खत्म जाए हो रही है तो और बड़ा मेजर पनिशमेंट हो जाता वो। इन तीनों इंक्वायरी में इनका कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई तीनों पनिशमेंट। आप ब्रेक एंड सर्विस ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना पड़ेगी आपको।
चलिए बुलवा लेते हैं, रिकॉर्ड भी बुलवा लेते हैं इनका, और आपके सीसीओ को भी नोटिस कर देते हैं, कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट को। और कौन है नेसेसरी पार्टी? चलिए, इनकी ओए इन्होंने ये चार पनिशमेंट चैलेंज किए थे, दो है, नहीं नहीं 31.7.11 टू 23.11.23 एंड 21.13 टू 26.7.15। और इफ दीज टू पनिशमेंट गोज देन, इफ दीज टू पनिशमेंट ऑर्डर गोज देन, ही विल बी एंटाइटल्ड फॉर पेंशन। इस पे क्या कहना है इनके रिप्लाई, इसका क्या रिप्लाई दिया आपने? ट्रिब्यूनल में नहीं दिया था वो का रिप्लाई? हाँ तो दिया था ना, तो वो सेम रिप्लाई यहां देखा जाएगा। ये कहां है पनिशमेंट ऑर्डर ये दोनों? एक ये P19 लगा हुआ है इनका, एक पनिशमेंट ऑर्डर। ये बिना ब्रेक इन सर्विस का ही है। एक ये हो गया, एक ये है P33। ये आपके ब्रेक इन सर्विस वाले, ये दोनों पनिशमेंट ऑर्डर आपने इंक्वायरी के बाद किए? एक मिनट मिस्टर, प्लीज की पॉइंट। डाइस नोन इज अ मेजर पनिशमेंट, यू कांट इम्पोज विदाउट होल्ड कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो ये दो ऑर्डर आपने डी करके किए हैं क्या? नहीं किए। और ब्रेक इन सर्विस कर रहे तब तो मेजर पनिशमेंट। A3 में किए आपने, इनकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? सीसीए। तो सीसीए को ऑर्डर करना पड़ेगा इनकी पेंशन फोरफिट का, आप नहीं करेंगे तो सीसीए का तो कोई ऑर्डर नहीं इनको पेंशन फोरफिट करने का, तो फिर क्यों इनको पेंशन नहीं मिल रही? आप जिस रूल को डाइस नोन को ट्रीट कर रहे हैं कि इससे पेंशन फोरफिट हुई है, इससे थोड़ी होगी। रूल 27 में सैंक्शनिंग अथॉरिटी करेगा। ये
क्वेश्चन पेंशन पेंशन लेखा अधिकारी अकाउंट ऑफिसर थोड़ी लिख सकता है, ही इज नॉट द अथॉरिटी। बाकी पैसा आपने क्यों नहीं दिया? पेंशन छोड़ दीजिए, जो ग्रेजुएट आज जो आप लीव इनकैशमेंट का इतने साल बाद दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए? वो तो फोरफिट नहीं होगा ना। यस जीएम साहब, कौन है आप? हु हैज विथहेल्ड दैट अमाउंट? हाँ, क्यों विथहेल्ड हुआ? कितने अमाउंट का है? उसको रीओपन किया क्या आपने? केस को रीओपन किया? ये कह रहे हैं कि पास हो गया था, कितने का बिल है वो? कितने का बिल है? और ये कितना अमाउंट रोका था आज? कितना दिया इनको आज? कितना पेमेंट किया अभी? कितना है? एक दो लाख के लिए आप 10 लाख रोके हुए इनका? कितने साल हो गए इनको रिटायरमेंट से? कितने साल हो गए रिटायरमेंट? 18 से। फिर आपकी एक महीने की तनख्वाह रुक जाए तो क्या होगा? 2018 से दो साल और ये 6 साल से आप ना पेंशन दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? 5 लाख काफी होते हैं? किस पोस्ट से रिटायर हुए हैं? जो भी हो, 5 लाख से इनके बच्चों की शादी हो जाएगी, 5 लाख से इनका घर बन जाएगा। 10 लाख रुपए आप 6 साल से रोके हुए, लीव इनकैशमेंट कहाँ एडजस्ट होता भाई? वो उनका खुद का पैसा है, वो तो टर्मिनेशन में भी फोरफीट नहीं होता। वो और कौन सा एंटाइटलमेंट बनता है इनका? बीएसएनएल को और क्या देना है? बस दो ही मिलते हैं, पेंशन और लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी वगैरह। ग्रेच्युटी कौन देगा? सीसीए देगा, वो भी नहीं दिया उन्होंने। चलिए उनको बुला लेते, लिखिए रनेट काउंसिल for the respondent submit that, वो डिटेल दीजिए चेक का, so and so has been handed over to the petitioner.
under the head of leave encashment. However, there is a delay of 6 years in payment of this amount, which this court shall consider later on as to who is responsible for this delay. The net counsel further submit that the BSNL has sent all the necessary papers for payment of pension to the petitioner to controller of communication accounts Bhopal. The white letter dated 3/1/19, the account officer pension has written those documents given to the petitioner, because the punishment of dice known is a major penalty which is coming in his way to get the regular pension. Reply be filed positively within 4 weeks from today. Detail. Record of original application 202/125/2019 we called from the Central Administrative Tribunal. Next.